हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी सीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ एथलेटिक ट्रैक इवेंट्स से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस। इसी वीडियो में सभी प्रकार के ट्रैक इवेंट, ट्रैक प्रतियोगिता, एथलेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन समाहित हो जाएंगे। बस आप वीडियो को पूरे धैर्यपूर्वक शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा। एंड दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों का, जिस पे आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा एंड इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे यूपी एलटी ग्रेड हो, चाहे अदर स्टेट का टेट सुपर टेट एंड टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एमपी टेट हो, तो सभी के लिए बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, 100 मीटर की दौड़ में पहले व द्वितीय स्थान के लिए टाई पड़ जाए तो क्या होगा। तो 100 मीटर का दौड़ हो रहा है, उसमें पहले और द्वितीय स्थान के लिए टाई हो गया, तो दोनों को दोबारा से दौड़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ों में समय देखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वे सेकेंड में किस हिस्से तक का समय बताता है। जब दौड़ होता है तो उसमें समय देखने के लिए एक उपकरण का प्रयोग होता है, वह सेकेंड के किस हिस्से तक का समय बताता है, तो 1/100 भाग तक का समय बताता है। नेक्स्ट है, अगर मैराथन की दौड़ का समय 2:51:493 में आएगा तो अंतिम रूप में समय की घोषणा क्या होगी। तो अंतिम रूप में जो समय की घोषणा होगी 2:51 और या जो दशमलव के बाद जो सेकेंड आता है 9 है, तो वो आपका 10 हो जाएगा, यानी कि 2:51:50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम कीपर किसी दौड़ का टाइम लेने के लिए टाइम उपकरण को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि कोई इवेंट हो रहा है, दौड़ ही हो रहा है, तो जो टाइम कीपर होता है दौड़ का टाइम लेने के लिए टाइम उपकरण को कब स्टार्ट करते हैं, तो जो बंदूक का आवाज सुनाई देता है, ठीक है, जो बंदूक का आवाज सुनाई देता है, बंदूक को धुएं की देख कर, बंदूक की आग के देख कर, दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है, किसी दौड़ को शुरू कराने के लिए स्टार्टर कमांड देता है। तो दोस्तों, किसी भी दौड़ को शुरू करने के लिए स्प्रिंट दौड़ों को ध्यान में रखिएगा, स्प्रिंट दौड़ों को के लिए कौन सा कमांड देता है, ऑन योर मार्क्स सेट और गन फायर। ऑन योर मार्क्स सेट और गन फायर, तीन कमांड देता है किसके लिए, स्प्रिंट दौड़ों के लिए। स्प्रिंट दौड़ों के लिए तीन कमांड होता है और लॉन्ग डिस्टेंस दौड़ों के लिए दो कमांड होता है, ऑन योर मार्क्स एंड गो, ऑन योर मार्क और गन फायर। ए लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस दौड़ों में आपका हो जाता है 100, 200, 400 मीटर एंड दौड़, और 4x100 मीटर एंड 4x400 मीटर रिले रेस, ये सभी दौड़े आती हैं आपका स्प्रिंट दौड़ों में। इसमें कमांड दिया जाता है ऑन योर मार्क्स सेट और गन फायर, जबकि लॉन्ग डिस्टेंस जो 400 मीटर के ज्यादा की जितने भी दौड़े हैं उसमें ऑन योर मार्क्स और गो यानी कि गन फायर दो कमांड दिया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो स्टार्ट के भी दो प्रकार होते हैं, एक सीटिंग स्टार्ट जिसे क्राउच स्टार्ट बोला जाता है, बैठकर स्टार्ट किया जाता है, और दूसरा स्टैंडिंग स्टार्ट यानी खड़े होकर स्टार्ट। जो सीटिंग स्टार्ट यानी क्राउच स्टार्ट होता है वह स्प्रिंट दौड़ों में 100, 200, 400 मीटर दौड़ों में होता है और रिले रेस में। इसमें तीन प्रकार के स्टार्ट होते हैं, क्राउच स्टार्ट यानी सीटिंग स्टार्ट में, बंच बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलांगेटेड स्टार्ट। दूसरा होता है आपका स्टैंडिंग स्टार्ट, इसमें मध्यम दूरी और लॉन्ग डिस्टेंस दूरी
की जो दौड़े होती हैं उसमें होता है, यानी इसमें स्टार्टिंग लाइन पर बस खड़े हो जाना होता है, ऑन योर मार्क्स एंड गन फायर किया जाता है। तो इस प्रकार आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी को स्टार्ट लेने में ज्यादा से ज्यादा फाउल मिल सकते हैं। तो दोस्तों एक खिलाड़ी को स्टार्ट लेने में ज्यादा से ज्यादा वन फाउल मिल सकता है। कितना फाउल? वन फाउल। यदि आठ खिलाड़ी हैं, आठ रनर हैं, दौड़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक ने फाउल कर दिया तो सबको फाउल माना जाएगा। नेक्स्ट है, हवा का कितना वेग होने पर रिकॉर्ड नहीं माना जाता है? तो 2 मीटर प्रति सेकेंड से अगर ज्यादा हवा का वेग है तो वो रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है कि ट्रैक स्पर्धाओं में विंड गेज क्या करता है? हवा का वेग मापता है, हवा का वेग मापता है। और विंड गेज एक होता है जो हवा की दिशा मापता है। जो विंड गेज होता है हवा का वेग मापता है। तो ट्रैक स्पर्धाओं में विंड गेज को हवा का वेग मापने के लिए रखा जाता है। कैसे रखा जाता है ट्रैक स्पर्धाओं में? तो स्टार्ट से 1 मीटर पीछे और फिनिश से 50 मीटर पीछे, यानी स्टार्ट लाइन से 1 मीटर पीछे रखा जाता है और फिनिश लाइन से 50 मीटर पीछे। नेक्स्ट है, लंबी कूद व तिहरी कूद यानी लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में विंड गेज ऑपरेटर कैसे रखा जाता है? तो ट्रैक ऑफ बोर्ड से 20 मीटर पीछे रखा जाता है। जो ट्रैक ऑफ बोर्ड होता है उसे 20 मीटर पीछे रखा जाता है लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में विंड गेज को। नेक्स्ट, विंड गेज क्या करता है? हवा की वेग को मापता है। ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हवा की वेग किससे मापा जाता है, तो विंड गेज, हवा की दिशा विंड गेज से। ठीक है, विंड गेज को कितनी ऊंचाई पर तथा ट्रैक एवं रनवे के साइड में कितनी दूरी पर रखा जाता है? तो इसको 1.22 मीटर की ऊंचाई पर और 2 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि पिछली बार आया भी था ये क्वेश्चन कि 100 मीटर की दौड़ में कितने समय का हवा का वेग मापा जाता है। तो 100 मीटर हो या 200 मीटर हो, इन दोनों में 10 सेकेंड का हवा का वेग मापा जाता है। 100 मीटर और 200 मीटर दोनों की दौड़ में 10 सेकेंड का हवा का वेग मापा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 100 मीटर और 110 मीटर बाधा दौड़ में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? तो दोस्तों 100-200 मीटर की अगर दौड़ पूछेगा तो हवा का वेग 10 सेकंड में मापा जाता है, और 100 मीटर और 110 मीटर बाधा, अगर बाधा पड़ गया तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, तो 10 सेकंड से ज्यादा लगेगा यानी 13 सेकंड हो जाएगा। तो इस ट्रिक को इस्तेमाल कीजिएगा कि 100 या 110 मीटर बाधा दौड़ में हवा का वेग मापने की बात कहा जाएगा तो 13 सेकंड मापा जाता है, 100-200 मीटर दौड़ की बात कहे तो 10 सेकंड में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर की दौड़ में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? तो दोस्तों 100-200 दोनों में 100-200 मीटर दोनों के रन में 10 सेकंड का हवा का वेग मापा जाता है। नेक्स्ट है, लंबी कूद व तिहरी कूद में हवा का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? तो लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप, जंप कर रहा है यानी कि बहुत जो दौड़ है और बाधा दौड़ है उससे जल्दी क्रिया करेगा तो कम समय में होगा यानी 5 सेकेंड में मापा जाता है। तो आपको 3 बातें ध्यान रखना है, 100-200 मीटर में हवा का वेग 10 सेकेंड में मापा जाता है, 100 मीटर और 110 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकेंड में मापा जाता है, और लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में 5 सेकेंड में मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 400 मीटर की स्टैंडर्ड ट्रैक पर स्ट्रेट लाइन निर्धारित होता है। तो 400 मीटर के स्टैंडर्ड ट्रैक पर, जैसे कि स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर का होता है, जो हाफ स्ट्राइकर होता है 200 मीटर का होता है, तो 400 मीटर के स्टैंडर्ड ट्रैक पर स्ट्रेट कितना निर्धारित होता है स्ट्रेट लाइन? तो 84.939 मीटर निर्धारित होता है। तो इसको मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि स्टैंडर्ड ट्रैक कैसे बनाया जाता है सभी को मार्क करने का, तो यहां पे बस इतना ही इसके बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट, हवा का वेग किन दौड़ों में मापा जाता है? तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हवा का जो वेग है वह 100-200 मीटर दौड़ और 100 मीटर 110 मीटर बाधा दौड़ लॉन्ग जंप हाई जंप में मापा जाता है।
दौड़ों में बात करेगा तो 100 200 मीटर दौड़ और 100 110 मीटर बाधा दौड़, ठीक है। नेक्स्ट है IAAF यानी ट्रैक एंड फील्ड के वर्ल्ड रिकॉर्ड को प्रत्येक वर्ष संपादित करता है, तो 1 जनवरी को संपादित करता है IAAF, ठीक है। IAAF यानी वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन। IAAF का मतलब होता है वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है IAAF द्वारा रिकॉर्ड के लिए एकल स्पर्धा में कम से कम खिलाड़ी होने चाहिए, तो IAAF द्वारा रिकॉर्ड के लिए एकल स्पर्धा में कम से कम कितने खिलाड़ी होने चाहिए, तो 3 खिलाड़ी होना चाहिए एकल स्पर्धा में। वही भी क्वेश्चन है कि IAAF द्वारा रिकॉर्ड के लिए टीम स्पर्धा यदि हो तो उसमें कम से कम कितनी टीमें होने चाहिए, तो 2 टीमें होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि किसी खिलाड़ी को प्रोटेस्ट करना है तो परिणाम की घोषणा के कितने समय के पश्चात प्रोटेस्ट किया जा सकता है, तो 30 मिनट के पश्चात। दोस्तों कंटिन्यू बने रहिएगा, आगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो धैर्य बना के वीडियो पूरा देखिएगा। नेक्स्ट है 100 मीटर व 200 मीटर की पहली हिट होने के बाद राउंड में दूसरी हिट या फाइनल कितने समय के पश्चात होगी, तो 45 मिनट के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 से 800 मीटर की दौड़ की पहली हिट के होने के बाद राउंड में दूसरी हिट या फाइनल कितने समय के पश्चात होगी, तो 90 मिनट पश्चात। नेक्स्ट है ऊंची कूद यानी हाई जंप, लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप, तिहरी कूद यानी ट्रिपल जंप, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो तथा जेवलिन थ्रो के लिए खिलाड़ियों के नामों की घोषणा होने के पश्चात कितने समय में उन्हें संबंधित क्षेत्र पर अटेम्प्ट लेना होता है, तो 1 मिनट में, ठीक है, कितने मिनट में, 1 मिनट में। नेक्स्ट है कि पोल वॉल्ट यानी कि बांस कूद की स्पर्धा में खिलाड़ियों के नामों की घोषणा के पश्चात संबंधित क्षेत्र पर कितने समय में अटेम्प्ट लेना पड़ता है, तो 1.5 मिनट में। पोल वॉल्ट को छोड़कर सभी में कितना, 1 मिनट में, और पोल वॉल्ट में 1.5 मिनट में नाम घोषित होने के बाद। नेक्स्ट, अगर ऊंची कूद व पोल वॉल्ट के अंतिम पड़ाव पर 2 या 3 खिलाड़ी रह जाएं, तो उनके नाम की घोषणा के कितने समय अंतराल के पश्चात उन्हें संबंधित क्षेत्र पर अटेम्प्ट लेना पड़ता है, तो ऊंची कूद में 2 मिनट और पोल वॉल्ट में 3 मिनट में अटेम्प्ट लेना पड़ता है, ध्यान में रखिएगा, यदि अंतिम पड़ाव पर 2 या 3 खिलाड़ी रह जाए तब। नेक्स्ट है ऊंची कूद और बांस कूद के लिए अंतिम पड़ाव पर बस 1 यानी सिर्फ 1 खिलाड़ी रह जाए, तो उसके नाम की घोषणा के कितने समय अंतराल के पश्चात उसे संबंधित क्षेत्र पर अटेम्प्ट लेना पड़ता है, तो ऊंची कूद में 5 मिनट और बांस कूद में 6 मिनट, ठीक है। 2-3 खिलाड़ी बचे रहे तो ऊंची कूद में 2 मिनट, पोल वॉल्ट में 3 मिनट, और 1 खिलाड़ी बचा रहे तो ऊंची कूद में 5 मिनट और बांस कूद में 6 मिनट। नेक्स्ट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हर बार आते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड के खिलाड़ी के जूते में ज्यादा से ज्यादा कितने स्पाइक यानी कील होते हैं। दोस्तों जो ट्रैक एंड फील्ड में दौड़ के लिए जो जूते होते हैं उसके पीछे कील लगी होती है, क्यों, कि घर्षण बल उत्पन्न करने का कारण, किसके कारण, घर्षण के लिए वो कील लगे होते हैं, तो कितने कील होते हैं यानी स्पाइक होते हैं, तो 11 कील यानी स्पाइक लगे होते हैं। वो जमीन में पकड़ बनाता है, किसलिए, जमीन में पकड़ बनाने के लिए, घर्षण उत्पन्न करने के लिए वो किल लगाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किल क्यों लगाया जाता है। नेक्स्ट, सिंथेटिक ट्रैक पर ऊंची कूद व जेवलिन थ्रो को छोड़कर अन्य स्पर्धा के लिए जूतों में स्पाइक यानी किल ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबी हो सकती है, तो जो 11 किल लगे होते हैं, स्पाइक लगे होते हैं, वह ऊंची कूद और जेवलिन थ्रो को छोड़कर अन सभी के जूतों में कितना लंबा होता है, वो स्पाइक यानी किल कितना लंबा होता है, तो 9 mm लंबा होता है, कितना होता है, 9 mm लंबा होता है ऊंची कूद और जेवलिन थ्रो को छोड़कर अन्य सभी में। नेक्स्ट, सिंथेटिक ट्रैक पर ऊंची कूद और जेवलिन थ्रो दोनों के लिए जूतों में स्पाइक यानी किल ज्यादा से ज्यादा कितने लंबे होते हैं,
तो 12 mm होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो कितने ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी के जूते में कितने ज्यादा ज्यादा स्पाइक होते हैं, तो 11 किल होते हैं। और ऊंची कूद जेवलिन थ्रो को छोड़कर अन्य सभी में जूतों के जो स्पाइक होते हैं यानी किल होते हैं कितना लंबा होता है, 9 mm। और ऊंची कूद जेवलिन थ्रो में कितने होते हैं, कितना लंबा होता है, 12 mm। वही पे पूछ देगा कि नॉन सिंथेटिक ट्रैक पर सभी स्पर्धाओं के लिए जूतों के स्पाइक्स यानी किल कितने लंबे हो सकते हैं नॉन सिंथेटिक। वहां पे आप इससे पहले सिंथेटिक ट्रैक पर आप जाने हैं, जब नॉन सिंथेटिक ट्रैक रहेगा वहां पे सभी स्पर्धाओं के लिए जूतों की स्पाइक यानी किल कितने लंबे हो सकते हैं, तो 25 mm लंबे हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट दोस्तों, शरीर के किस अंग के फिनिश लाइन को पार करने पर ही दौड़ खत्म मानी जाती है, तो दौड़ हमेशा टोरसो कमर से लेकर धड़ तक का जो भाग होता है इमेजिनरी लाइन है कि जो अंतिम लाइन होता है उसको पार करने पर ही दौड़ समाप्त माना जाता है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि फिनिशिंग के 3 प्रकार हैं, रन को फिनिश करने के 3 प्रकार हैं, रन थ्रो यानी कि बेग पूर्व समाप्ति फिनिश लाइन को पार कर दिया जाता है, लंज थ्रो सीने द्वारा समाप्ति, शोल्डर स्लैम यानी कंधे द्वारा समाप्ति, ये 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन तीनों प्रकार के फिनिशिंग के प्रकार में तीनों दौड़ों में महत्वपूर्ण बात यह है कि दौड़ तभी समाप्त होगा जब तक टोर्सो यानी कमर से कंधे तक का जो भाग है इमेजरी लाइन यानी फिनिश लाइन को पार नहीं करेगा, तब तक दौड़ समाप्त नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अगर टाइम कीपर की मुख्य 3 घड़ियों में से 2 घड़ियों का समय तीसरी घड़ी से मेल न खाता हो तो कौन सा समय लिया जाएगा, तो जो 2 घड़ियों का समय होगा उसी का समय लिया जाएगा। नेक्स्ट है, अगर 3 मुख्य टाइम कीपर की घड़ियां अलग अलग समय बता रही हैं तो कौन सा समय लिया जाएगा, तो जो बीच वाली घड़ी होगा उसका समय लिया जाएगा। नेक्स्ट है, 3 मुख्य घड़ियों में से 1 घड़ी बंद हो जाए और अन्य 2 घड़ियों के समय में अंतर हो अलग अलग हो तो कौन सा समय लिया जाएगा, तो इस कंडीशन में जिसका समय ज्यादा होगा जिस घड़ी का उसका लिया जाएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों बाधा दौड़ के कुछ क्वेश्चंस पर। ठीक है, बाधा दौड़ के कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि पुरुषों के लिए बाधा दौड़ होती है, तो पुरुषों के लिए 100, 110 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ होती है और महिलाओं के लिए 100 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ होती है। तो ध्यान में रखिएगा, पुरुषों के लिए 110 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ और महिला के लिए 100 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़। नेक्स्ट है, पुरुषों की 110 मीटर व 400 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है, चाहे पुरुषों का 110 मीटर 400 मीटर हो चाहे महिलाओं का 100 मीटर 400 मीटर हो, इन सभी में आपका बाधाओं की संख्या 10 होती है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है, तो 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई 1.067 मीटर है। दोस्तों बाधा दौड़ के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाई हूँ, जिसको देख करके आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और एक बार देख लेंगे तो आपको जो मेजरमेंट है कभी भूलेगा नहीं। नेक्स्ट है, 110 मीटर बाधा दौड़ को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको 110 मीटर बाधा दौड़ को हाई हर्डल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, 110 मीटर बाधा दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी दूरी पर होती है, तो जो पहली बाधा होती है स्टार्ट लाइन से 13.72 मीटर होती है। दोस्तों जैसा कि जो पहली बाधा है स्टार्ट लाइन से 110 मीटर पुरुष के लिए 13.72 मीटर, 100 मीटर महिला के लिए 13 मीटर एंड पुरुष महिला दोनों के लिए 400 मीटर में 45-45 मीटर होता है। नेक्स्ट है, 110 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम या 10वीं बाधा फिनिश लाइन से कितनी दूरी पर रखी जाती है, जो अंतिम बाधा 10वां बाधा होता है 110 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से कितना दूर पर रखा जाता है, तो 14.02 मीटर पर रखा जाता है। क्वेश्चन है, 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की आपस में कितनी दूरी होती है, तो 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की आपस में दूरी 9.14 मीटर होती है
और 100 मीटर बाधा दौड़ महिला के लिए बाधाओं की आपस में दूरी कितनी होती है? 8.50 मीटर होती है। वहीं पे 400 मीटर पुरुष प्लस महिला के लिए बाधाओं के बीच में आपस में दूरी जो है वो 35 मीटर होती है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि मैराथन दौड़ में मैराथन से क्या तात्पर्य है? तो मैराथन दौड़ में मैराथन से तात्पर्य है यूनान में एक जगह का नाम है मैराथन। जैसा कि मैराथन के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों शुरू हुआ था, किसके नाम से शुरू हुआ था, क्या घटना थी, ये प्राचीन ओलंपिक की एक घटना थी कि मैराथन जो है एक 490 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। यह क्या है कि यह प्रथम मैराथन धावक जो है फिलिपिनीज को माना जाता है। कहानी क्या है कि यूनान में एक एथेंस नगर से 26 मील की दूर पर एक मैदान हुआ करता था। यूनानी एथेंस और पार्सियन फारसी सैनिकों के बीच यहाँ पे युद्ध हुआ था। तो जो 26 मील यूनान के एथेंस नगर से 26 मील दूर एक मैदान था उसका नाम था मैराथन। और वहीं से फिलिपिनीज सूचना देने के लिए एथेंस आया था, फारसी और सैनिकों के एथेंस के बीच जो युद्ध हुआ था तो उसको विजय की सूचना देने के लिए 26 मील 385 गज की दूरी तय किया गया था। और उस सूचना को देते ही वह उसका मृत्यु हो गया था। तो इसी फिलिपिनीज के नाम से मैराथन दौड़ 26 मील 385 गज यानी कि 42.195 किलोमीटर या उसको 26 मील 385 गज कह सकते हैं दौड़ आयोजित किया जाता है फिलिपिनीज के याद में। यह भी ध्यान में रखिएगा कि ओलंपिक में शामिल किया गया 1896 एथेंस में और महिलाओं को 1984 लॉस एंजिल्स में। प्राचीन प्रथम मैराथन धावक फिलिपिनीज था। प्रथम आधुनिक में प्रथम मैराथन धावक स्पिरिडन लुइस था, यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ किसकी याद में आयोजित किया जाता है? तो अभी मैंने तुरंत बताया फिलिपिनीज की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ की दूरी होती है, तो मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है 42.195 किलोमीटर यानी 26 मील 385 गज होता है। नेक्स्ट है किस ओलंपिक में प्रथम बार मैराथन दौड़ 42.195 किलोमीटर की आयोजित की गई? तो यह 1908 लंदन ओलंपिक में पहली बार आधुनिक ओलंपिक में मैराथन दौड़ 42.195 किलोमीटर आयोजित किया गया। शामिल 1896 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मैराथन की दूरी 42.195 किलोमीटर का मानकीकरण किस ओलंपिक में किया गया था? तो दोस्तों आयोजित तो किया गया था 42.195 किलोमीटर की जो दौड़ है 1908 लंदन ओलंपिक में ही, लेकिन इसको मान्यता मिली थी 1924 पेरिस फ्रांस में। मान्यता 1924 पेरिस फ्रांस में मिला था, 1924 पेरिस फ्रांस में मिला था, ठीक है। यहाँ पे 1920 एंटवर्प दिया है, अब राइट होगा आपका 1924 पेरिस फ्रांस। नेक्स्ट है मैराथन दौड़ की दूरी 42.195 किलोमीटर किसकी याद में निर्धारित की जाती है दोस्तों? तो यहाँ पे डोनाल्डो पैट्रिक नहीं, आपका फिलिपिनीज ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंची कूद व बांस कूद में टाई पड़ जाए और टाई के पहले दो नियम के पश्चात भी टाई बनी रहे तो निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा? तो दोस्तों इसमें निर्णय क्रॉस बार को क्या किया जाएगा, क्रॉस बार को 2 सेंटीमीटर ऊंची कूद के लिए और 5 सेंटीमीटर बांस कूद के लिए ऊपर करके ट्रायल दिया जाएगा। तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर टाई पड़ जाए और नियम के पहले के दो नियम के पश्चात भी टाई पड़ जाए तो निर्णय क्या होगा कि क्रॉस बार जो होता है ऊंची कूद के लिए 2 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा दिया जाएगा और बांस कूद यानी कि पोल वॉल्ट के लिए 5 सेंटीमीटर ऊपर करके ट्रायल दिया जाएगा। नेक्स्ट है 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ के लिए बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ के लिए बाधा की ऊंचाई होती है 0.914 मीटर। वही 400 मीटर महिला बाधा दौड़ के लिए बाधा की जो ऊंचाई होगा 0.0762 मीटर, महिला बाधा दौड़ के लिए 400 मीटर के लिए, ठीक है। पुरुष के लिए 0.914 मीटर।
नेक्स्ट है 400 मीटर हर्डल दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी दूरी पर रखी जाएगी। तो 400 मीटर हर्डल दौड़ हो चाहे महिला हो चाहे पुरुष दोनों के लिए जो पहली प्रथम बाधा है स्टार्ट लाइन से 45 मीटर की दूरी पर रखी जाएगी। नेक्स्ट है 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में सभी बाधाओं में आपस में दूरी कितनी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पुरुष बाधा दौड़ नहीं 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ हो या महिला बाधा दौड़ हो दोनों में सभी बाधाओं के आपस में दूरी 35 मीटर होती है। नेक्स्ट है 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में अंतिम व दसवीं बाधा अंतिम रेखा से कितने पहले लगती है। तो 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ हो या महिला बाधा दौड़ दोनों में अंतिम यानी दसवीं जो बाधा होती है वो फिनिश लाइन से 40 मीटर दूरी पर रखी जाती है। नेक्स्ट है 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है। तो 100 मीटर के लिए 0.84 मीटर होता है बाधाओं की ऊंचाई। नेक्स्ट है 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में पहली बाधा स्टार्ट लाइन से कितनी आगे रखी जाती है। तो 13 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट है 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में सभी बाधाएं आपस में कितनी दूरी पर रखी जाती हैं। तो 8.5 मीटर पर रखी जाती हैं। नेक्स्ट है 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में अंतिम यानी दसवां बाधा जो होता है अंतिम रेखा से कितनी दूरी पर लगती है। तो 10.5 मीटर की दूरी पर लगती है। नेक्स्ट है 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है। तो 0.762 मीटर होती है और पुरुष के लिए 400 मीटर में 0.914 मीटर। नेक्स्ट है 100 मीटर 110 मीटर तथा 400 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं का भार कितना होता है। तो 10 केजी होता है। नेक्स्ट है हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों 100 मीटर 400 मीटर और 110 मीटर में। तो 1.84 से 1.20 सेंटीमीटर होता है ऊंचाई। नेक्स्ट है स्टीपल चेज यानी पानी बाधा दौड़ में कितनी दूरी की होती है दोस्तों। तो 3000 मीटर की स्टीपल चेज यानी कि पानी बाधा दौड़ होती है 3000 मीटर की। नेक्स्ट है पानी बाधा दौड़ को और किस नाम से जाना जाता है। इसको स्टीपल चेज के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टीपल चेज के बारे में यानी पानी बाधा दौड़ के बारे में जानना है तो आप एथलेटिक वाले प्लेलिस्ट में जाकर के बाधा दौड़ और स्टीपल चेज सभी के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। नेक्स्ट है स्टीपल चेज रेस में स्टीपल नामक शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है पानी में भिगोना पानी में खड़ा होना या ढाल। नेक्स्ट है स्टीपल चेज रेस में कुल कितनी पानी की बाधाओं को पार करना पड़ता है। तो दोस्तों स्टीपल चेज रेस में 28 बाधा और 7 वाटर जंप यानी पानी बाधा होता है। तो 7 पानी बाधाओं को पार करना होता है यानी कुल मिलाकर के 35 बाधा होती है। तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टीपल चेज रेस में कुल कितनी पानी बाधा होती है। तो 7 कुल कितने बाधाएं होती हैं तो 28 और कुल कितनी बाधा होती है पानी बाधा और बाधाओं को मिलाकर के 35 बाधा। नेक्स्ट है स्टीपल चेज रेस में कुल कितनी बाधाओं को पानी बाधाओं को छोड़कर कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती है। तो 28 बाधाएं पार करनी पड़ती है। कितनी बाधाएं 28 बाधाएं पार करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीपल चेज रेस में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है। तो 0.914 मीटर होती है स्टीपल चेज रेस में बाधाओं की ऊंचाई। नेक्स्ट है दोस्तों स्टीपल चेज रेस में बाधाओं की चौड़ाई कितनी होती है। तो 3.96 मीटर होती है। नेक्स्ट है स्टीपल चेज की बाधाओं के ऊपरी हिस्सों की माप कितनी होती है। तो 12.7 × 12.7 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है स्टीपल चेज दौड़ में बाधा से लेकर पानी के अंतिम क्षेत्र तक की लंबाई कितनी होती है। तो बाधा से लेकर पानी के अंतिम क्षेत्र तक की लंबाई होती है 3.66 मीटर। नेक्स्ट है स्टीपल चेज दौड़ में पानी बाधा के अंतर्गत बाधा के पास पानी की गहराई कितनी होती है। तो बाधा के पास पानी की जो गहराई होती है 70 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है स्टीपल चेज दौड़ में पानी बाधा दौड़ के अंतर्गत पानी के बॉक्स की चौड़ाई कितनी होती है। जो पानी का बॉक्स होता है 3.66 मीटर होता है। नेक्स्ट है खेल वैज्ञानिकों के आधार पर 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधाओं के मध्य लगभग कितने कदम के पश्चात खिलाड़ी उछाल ले सकता है। तो 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में
बाधाओं के मध्य तीन कदम का उछाल ले सकता है। नेहरू से खेल वैज्ञानिकों के आधार पर 400 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में बाधाओं के मध्य लगभग कितने कदम के पश्चात खिलाड़ी उछाल ले सकता है? तो 15 कदम। 110 मीटर में 3 कदम, 400 मीटर पुरुष में 15 कदम। नेहरू से 110 मीटर पुरुष बाधा दौड़ में धावक लगभग बाधा से कितनी दूरी पहले उछाल लेता है? तो 7.5 फीट की दूरी के पहले उछाल लेता है। नेहरू से 60 फुट स्पर्धा में 60 फुट को लगभग कितने कोण पर फेंका जाता है कि अधिकतम दूरी पर जाए? तो वह फेंका जाता है 60 अंश के कोण पर। नेक्स्ट, जेवलिन स्पर्धा में जेवलिन को किस कोण पर फेंका जाता है कि वो अधिकतम दूरी तय करे? तो 29 अंश के कोण पर फेंका जाता है। नेक्स्ट, एथलेटिक के अंतर्गत किस सामूहिक स्पर्धा में 10 स्पर्धाएं होती हैं? तो डेकाथलान में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेकाथलान पुरुषों के लिए प्रतियोगिता होती है कंबाइंड इवेंट में, और इसमें 10 इवेंट होते हैं। पहले दिन 5 इवेंट, दूसरे दिन 5 इवेंट, इसमें 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट होते हैं। और चाहे डेका कंबाइंड इवेंट के अंतर्गत डेकाथलान हो, हेप्टाथलान हो, पेंटाथलान हो, ट्राइथलान हो, इन चारों के बारे में डिटेल में मैंने बताया है और एक ट्रिक के साथ बताया है जिससे आप इन चारों के बारे में कभी नहीं भूलेंगे। डेकाथलान का ट्रिक है पहला दूसरा दिन का कि 100 मीटर का, सो पहला दिन का ट्रिक है 100 मीटर का लंबा शर्ट पहन के ऊंची कद से 400 मीटर दौड़ा, और दूसरे दिन का है 100 मीटर का हर्डल लेकर डिपोजे 1500 मीटर दौड़ा। तो आपको जैसे कि आगे क्वेश्चन के अनुसार हम बताते चलेंगे कि नेक्स्ट डेकाथलान प्रतियोगिता किस वर्ग के लिए होती है? तो यह पुरुष वर्ग के लिए होती है। नेक्स्ट, डेकाथलान कितने दिन की प्रतियोगिता है? तो यह 2 दिन की प्रतियोगिता है। नेक्स्ट, डेकाथलान के प्रथम दिन में कौन सी स्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं? तो दोस्तों प्रथम सीरियल वाइज बताते हैं, इसमें सीरियल वाइज नहीं दिया है। जैसे कि प्रथम दिन का ट्रिक है कि 100 मीटर लंबा शर्ट पहन के ऊंची कद से 400 मीटर दौड़ा, यानी 100 मीटर लंबा शर्ट पहन के, यानी 100 मीटर मतलब 100 मीटर दौड़ पहला स्पर्धा है प्रथम दिन का। फिर लंबी कूद, लंबा शर्ट यानी लंबी कूद, शर्ट से 60 फुट 3 हो गया, और ऊंची कद से यानी कि ऊंची कूद, और 400 मीटर दौड़ा यानी 400 मीटर दौड़, यानी कि प्रथम दिन 100 मीटर दौड़, लंबी कूद 60 फुट, ऊंची कूद 400 मीटर दौड़, ये आपके होते हैं प्रथम दिन में। एंड डेकाथलान के दूसरे दिन की स्पर्धाएं कौन कौन सी होती हैं? तो दूसरे दिन का ट्रिक है कि 100 मीटर का हर्डल लेकर डिपोजे 1500 मीटर दौड़ा, तो 110 मीटर का हर्डल लेकर डिपोजे 1500 मीटर दौड़ा, तो 110 मीटर बाधा दौड़। फिर दूसरे नंबर पर डी पोजे, डी से डिस्कस थ्रो, पो से पोल वॉल्ट, जे से जेवलिन थ्रो, 1500 मीटर दौड़ा, मतलब लास्ट में आएगा, दूसरे दिन का लास्ट प्रतियोगिता होगा 1500 मीटर दौड़। सीक्वेंस वाइज पूछता है इसलिए आपको सीरियल वाइज याद करना है, तो मैंने जो वीडियो बनाया है उसको आप देख लेंगे तो आपको सीरियल वाइज हमेशा याद रहेगा। तो दूसरे दिन की ये सभी प्रतियोगिताएं होती हैं। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए आयोजित होने वाली स्पर्धा कौन सी है? तो हेप्टाथलान है। कौन सा है? हेप्टाथलान। और इसमें 7 इवेंट होती हैं, 3 ट्रैक और 4 फील्ड इवेंट, जिसमें से प्रथम दिन 4 इवेंट, दूसरे दिन 3 इवेंट होता है। और प्रथम दिन को इवेंट को याद रखने का ट्रिक है कि 100 मीटर का ऊंचा गोला 200 में खरीदा और बेचने पर लाभ 800 का हुआ। प्रथम दिन का ट्रिक क्या है कि 100 मीटर का ऊंचा गोला 200 में खरीदा, दूसरे दिन का ट्रिक है कि बेचने पर लाभ 800 का हुआ। तो कैसे 100 मीटर का ऊंचा गोला 200 में खरीदा, यानी प्रथम दिन में हुआ 100 मीटर का ऊंचा गोला, यानी 100 मीटर हर्डल रेस, ऊंचा से ऊंची कूद, गोला से गोला फेंक, 200 में खरीदा यानी 200 मीटर दौड़। ये चार चीजें, 100 मीटर हर्डल रेस, ऊंची कूद, गोला फेंक, 200 मीटर दौड़, प्रथम दिन की ये चार स्पर्धाएं होंगी हेप्टाथलान में। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि महिलाओं के लिए हेप्टाथलान 2 दिन का होता है। एंड हेप्टाथलान के प्रथम दिन में कौन कौन सी स्पर्धाएं होती हैं? तो 100 मीटर का ऊंचा गोला 200 में खरीदा, यानी कि 100 मीटर बाधा दौड़, फिर ऊंचा गोला ऊंची कूद, गोला से गोला फेंक, 200 मीटर आपका ये सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस बाय याद करिएगा, पहले 100 मीटर का हर्डल रेस है, फिर ऊंचा गोला यानी ऊंची कूद, फिर तीसरा नंबर पर गोला फेंक, चौथा नंबर पर 200 मीटर दौड़, ये आपका प्रथम दिन का हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, हेप्टाथलान में दूसरे दिन की कौन सी स्पर्धाएं होती हैं? तो दूसरे दिन का ट्रिक है कि बेचने पर लाभ 800 का हुआ, तो लाभ 800 का हुआ, ल से हो जाएगा लंबी कूद, भ से भाला फेंक, और 800 मीटर
800 का मतलब 800 मीटर दौड़, यानी लंबी कूद, भाला फेंक, 800 मीटर दौड़, ये आपका होगा दूसरे दिन का प्रतियोगिता। तो सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज है लंबी कूद, भाला फेंक, 800 मीटर दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 मीटर फर्राटा दौड़ में स्टार्ट लेने की कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलांगेटेड स्टार्ट। यानी कि स्प्रिंट स्टार्ट में स्टार्ट दो प्रकार का होता है, सीटिंग स्टार्ट जिसे क्राउच स्टार्ट बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टार्ट जिसे खड़े होकर स्टार्ट किया जाता है। तो सीटिंग स्टार्ट यानी क्राउच स्टार्ट जो स्प्रिंट दौड़े होते हैं 100-200 मीटर और 400 मीटर की दौड़े और रिले रेस, इसमें क्राउच स्टार्ट यानी सीटिंग स्टार्ट लिया जाता है, जिसे तीन प्रकार के स्टार्ट होते हैं, बंच बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलांगेटेड स्टार्ट। और लॉन्ग डिस्टेंस की दौड़ों में स्टैंडिंग स्टार्ट होता है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, स्प्रिंट दौड़ों के अंतर्गत कौन सी दौड़े आती है दोस्तों? स्प्रिंट दौड़ों के अंतर्गत आपका जिसमें तेज गति की दौड़े होती है 100-200 मीटर और 400 मीटर की दौड़े आती हैं। नेक्स्ट है मिडल डिस्टेंस रेस के यानी मध्यम दूरी की दौड़े में कौन आता है? तो 400 मीटर और 800 मीटर की दौड़े आती हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग डिस्टेंस यानी लंबी दूरी की दौड़ में कौन सी दौड़े आती हैं? तो 5000 मीटर और 10000 मीटर की दौड़े आती हैं। नेक्स्ट है एंकर रनर कहा जाता है। तो दोस्तों एंकर रनर जो होता है वो रिले रेस के चौथे व आखिरी धावक को एंकर रनर कहा जाता है। रिले रेस जो होता है 4x100 मीटर और 4x400 मीटर का होता है। नेक्स्ट है एथलेटिक्स में सबसे दमखम यानी कि एंड्योरेंस वाली दौड़ जिसमें शारीरिक क्षमता के तीन मुख्य घटक स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस समाहित रहते हैं, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि एथलेटिक्स में सबसे दमखम वाली दौड़ कौन सी है जो जिसमें शारीरिक क्षमता, फिजिकल फिटनेस के तीन घटक स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस तीनों समाहित रहते हैं, तो वह होता है 400 मीटर दौड़। जबकि 100-200 मीटर में ओनली स्पीड होता है, ध्यान में रखिएगा, जबकि 400 मीटर में स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस तीनों समाहित होते हैं। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह के 400 मीटर की जो रोम ओलंपिक रिकॉर्ड था 45.73 सेकेंड को किस खिलाड़ी ने तोड़ा था? तो इसको तोड़ा था परमजीत सिंह ने 45.70 सेकेंड में हासिल करके। नेक्स्ट, वह प्रथम महिला ओलंपिक धाविका जिसने 4 स्वर्ण पदक जीते थे जो उस समय 2 बच्चे की मां थी, तो वो थी फ्रांसिना ब्लैंकर्स, फ्रांसिना ब्लैंकर्स कोयना हाईलैंड की थी, 4 स्वर्ण पदक जीती थी 2 बच्चों की मां होकर के। नेक्स्ट है एच सी बक किस देश के संबंध रखते थे? दोस्तों अमेरिका के वे संबंध रखते थे। भारत में YMCA की स्थापना 1920 में मद्रास में किए, YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1920 में एच सी बक के द्वारा हुआ, और एच सी यानी हेनरी क्रो बक को भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वह ओलंपिक का धावक जिसने 1936 बर्लिन ओलंपिक में मशाल लेकर दौड़ा था, तो मशाल की शुरुआत भी 1936 में हुआ था, मशाल लेकर दौड़ा कौन था उस समय? कॉन्स्टेंटिन कांडिलिस था जो ग्रीस का था। नेक्स्ट है वह कौन सा ओलंपिक था जिसमें मशाल दौड़ सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनी थी? तो वह 1968 मैक्सिको ओलंपिक था। नेक्स्ट, वह पहला ओलंपिक धावक जिसने प्रथम बार ओथ जलाई दिलाई, तो वो था पैबले गैरिडो। नेक्स्ट है भारत के बॉक्सर कांस्य पदक विजेता विजेंद्र सिंह के कोच का क्या नाम है? तो जय दो बिष्ट। नेक्स्ट, भारत के कुश्ती के खिलाड़ी कांस्य पदक विजेता सुशील कुमार के कोच का क्या नाम है? तो सतपाल सिंह। दोस्तों ये 2008 में कांस्य पदक और 12 में रजत पदक जीते हैं सुशील कुमार। नेक्स्ट, स्टीपल चेज के अंतर्गत बाधा का भार कितना होता है? स्टीपल चेज यानी पानी बाधा दौड़ में बाधा का भार 80 से 100 केजी होता है, जबकि ऐसे ही 100-200 मीटर और 400 मीटर जो बाधा दौड़ होता है उसमें आपका 10 केजी का होता है, जबकि स्टीपल चेज में 180 से 110 किलोमीटर का
किलो का भार होता है। नेक्स्ट है स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप अंदर हो तो एक लैप कितने मीटर का होगा। तो दोस्तों जैसे कि 400 मीटर का ट्रैक होता है तो स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप अंदर हो तो एक लैप कितने मीटर का होता है, तो 390 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है, 390 मीटर का होता है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो स्टीपल चेज यानी पानी बाधा दौड़ होता है तो जो जलकूद होता है उसमें सात जलकूद को ट्रैक के अंदर और बाहर रखा जाता है, यानी अंदर रखा जाता है तो 10 मीटर कम हो जाता है। जब अंदर रखा जाता है 10 मीटर कम 190 मीटर की तय की दूरी हो जाती है, जब बाहर रखा जाता है तो 10 मीटर ज्यादा यानी 410 मीटर का ट्रैक हो जाता है। तो इसको समझेंगे हम, तो क्या अंदर रखने पर 390 मीटर यानी कि 10 मीटर कम हो जाएगा। वहीं पे स्टीपल चेज में अगर वाटर जंप बाहर हो तो एक लैप कितने मीटर का हो जाएगा, तो बाहर हो तो 10 मीटर ज्यादा हो जाएगा, 110 मीटर का हो जाएगा, अंदर हो तो 10 मीटर कम हो जाएगा, 390 मीटर का हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टीपल चेज दौड़ में वाटर जंप अंदर हो तो स्टार्ट यानी फिनिश लाइन के कितने पीछे से रखा जाएगा, तो 270 मीटर पर रखा जाएगा। इसको याद रखना आपको जरूरी है कि यदि वाटर जंप अंदर रखा गया है तो जो स्टार्ट होगा वो फिनिश लाइन के कितने पीछे से रखा जाएगा, पीछे से होगी तो 270 मीटर से होगी फिनिश लाइन से। वहीं पे अगर स्टीपल चेज दौड़ में वाटर जंप को बाहर रखा जाता है तो स्टार्ट फिनिश लाइन के कितने पीछे से होगी, तो 130 मीटर से होगी। ठीक है, तो अंदर रखा जाता है तो 270 मीटर से शुरुआत होगी और बाहर रखा जाता है तो 130 मीटर से शुरुआत होगी। एंड नेक्स्ट है स्टीपल चेज रेस में पहली बाधा फिनिश लाइन के कितने आगे रखी जाती है। जो स्टीपल चेज रेस में पहली बाधा होती है चाहे वो अंदर रखा जाए चाहे बाहर रखा जाए तो पहली बाधा फिनिश लाइन के 10 मीटर आगे रखी जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट है कि स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप अंदर हो तो सभी बाधाओं के बीच की बराबर कितनी दूरी होगी, तो 78 मीटर। एंड नेक्स्ट है स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप बाहर हो तो सभी बाधाओं के बीच की आपस में कितनी बराबर दूरी होगी, तो 82 मीटर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब वाटर जंप अंदर रखा जाएगा तो सभी बाधाओं की आपस में दूरी जो है 78 मीटर होगी, अब बाहर रखा जाएगा तो सभी बाधाओं की आपस में दूरी 82 मीटर होगी। नेक्स्ट है स्टीपल चेज रेस में अगर वाटर जंप अंदर रखा हो तो अंतिम बाधा फिनिश लाइन से कितनी पीछे होगी, तो 68 मीटर। वहीं पे स्टीपल चेज दौड़ में अगर वाटर जंप बाहर हो तो अंतिम बाधा फिनिश लाइन से कितनी पीछे होगी, तो 72 मीटर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर स्टीपल चेज अंदर रखा गया है तो अंतिम बाधा फिनिश लाइन से 68 मीटर दूर और बाहर रखा गया है तो 72 मीटर पीछे रखी जाएगी। नेक्स्ट है स्प्रिंट स्टार्ट और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो स्प्रिंट स्टार्ट होता है उसको हम जानते हैं क्राउच स्टार्ट। किस नाम से जानते हैं, क्राउच स्टार्ट, जिसमें बंच बुलेट एलांगेटेड तीन प्रकार के स्टार्ट दिए जाते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। तो आपको ये ध्यान में रखना है कौन कौन से, बंच बुलेट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलांगेटेड स्टार्ट, जिसमें तीन कमांड दिए जाते हैं ऑन योर मार्क सेट और गो, और स्टैंडिंग स्टार्ट जो है मध्यम दूरी की दौड़े और लंबी दूरी की दौड़ों में दिया जाता है, और उसमें दो कमांड दिया जाता है मध्यम दूरी की दौड़े और लंबी दूरी की दौड़ों में ऑन योर मार्क्स और गो यानी गन फायर। नेक्स्ट है क्राउच से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों क्राउच से तात्पर्य जिसमें शरीर के चार अंग जमीन पर लगे हों यानी दोनों पैर और दोनों हाथ। नेक्स्ट है बुलेट स्टार्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बंच स्टार्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था एथलेटिक्स ट्रैक इवेंट्स रिलेटेड
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगी, आपके लिए वेरी हेल्पफुल हुआ होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया कीजिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।